पहले वाले लेक्चर में हम लोग रेजिस्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। रेजिस्टर कंपोनेंट या डिवाइस, वायर भी हो सकता है, कार्बन रेजिस्टर भी हो सकता है, या जो अपन डिवाइस लगा रहे हैं वो जो अपोजिशन क्रिएट करेगा इट इज कॉल्ड रेजिस्टर। तो रेजिस्टर क्या क्रिएट करेगा? रेजिस्टेंस। डिवाइस है समझो, कार्बन रेजिस्टेंस हो सकता है, वायर रेजिस्टेंस हो सकता है, या जो आप डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं वो जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा इट इज कॉल्ड रेजिस्टर। तो ये डिवाइस है, कार्बन हो सकता, वायर हो सकता, या कोई डिवाइस हो सकता, वो जो प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का मतलब होता अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कार्बन रेजिस्टर का टेबल देखा है पूरा, तो आप लोगों को टेबल बनाना सिखाया है ये। तो टेबल पर से हम उसको सॉल्व कैसे करना और चौथे बैंड का क्या मतलब है वो बता रहा। टेक्सटबुक के भी एग्जांपल लेंगे, ये तो अपन खुद ले रहे हैं, पहले वो समझ लो। देखो उसमें बताया था, डायग्राम भी बताया था और वो फोटोज भी बताया था, चार बैंड रहते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, चाहे तो बैंड नंबर रोमन में डाल दो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 ऐसे डाल देना। चलो 1 ये सेकेंड बैंड, ये थर्ड बैंड और ये फोर्थ बैंड। सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए 1 2 3 4 भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट बैंड और ये सेकेंड बैंड। तो ये जो दो बैंड है, मान लो पहला बैंड रेड कलर का है, दूसरा बैंड ब्लैक कलर का है, ये दो जो बैंड है वो अपने को क्या बताएंगे? डिजिट। तो अपने टेबल में लिखा था फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट, थर्ड बैंड अपने को बताएगा मल्टीप्लाई। ये अपने को देंगे डिजिट, थर्ड बैंड बताएगा मल्टीप्लायर, और जो फोर्थ बैंड है जो थोड़ा दूर है इट विल इंडिकेट टॉलरेंस। तो सबका मीनिंग समझते क्या है। तो पहले रेड देखो टेबल में, फर्स्ट डिजिट में रेड के आगे लिखा है 2। ठीक है, तो ये अपन ने 2 लिख लिया। अब सेकेंड बैंड है ब्लैक, ब्लैक के आगे अगर आप टेबल में देखेंगे देखो क्या लिखा है, 0। तो ये फर्स्ट दो बैंड ने डिजिट बना दिया, एक दो डिजिट का एक नंबर बना दिया उन्होंने। तो ये भी डिजिट बताएगा फर्स्ट डिजिट, ये बताएगा सेकंड डिजिट। तो टेबल फिर से ध्यान से देखो, रेड कलर के सामने फर्स्ट डिजिट में क्या लिखा है? 2। टेबल सामने रखो, और टेबल बनाना बहुत आसान है, अगर एग्जाम में कोई एक दो मार्क के लिए प्रॉब्लम भी आया तो टेबल बनाने में टाइम नहीं लगेगा, आराम से टेबल बन जाएगा, लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 मिनट का काम है। तो देखो फिर से, फर्स्ट ये बैंड एंड ये फर्स्ट बैंड, ये सेकंड बैंड, ये थर्ड बैंड, ये फोर्थ बैंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बैंड जो है वो अपने को क्या बताएंगे? डिजिट। तो ये बन गया डिजिट, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट। थर्ड बैंड है ऑरेंज, ऑरेंज के सामने अब मल्टीप्लायर में देखना, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट नहीं, थर्ड बैंड। अपने टेबल के ऊपर भी नंबर दिए थे 1 2 3 4। तो फर्स्ट बैंड पहला डिजिट बताएगा, सेकंड बैंड के लिए सेकंड डिजिट वाला कॉलम देखना, थर्ड बैंड जो होगा वो बनाएगा मल्टीप्लायर। तो ऑरेंज केस में मल्टीप्लायर क्या लिखा है देखो, 10^3। तो यहाँ इनटू मल्टीप्लायर 10^3। तो एक बार चौथे बैंड को छोड़ देते ये, तो इसको आप रेजिस्टेंस कितना ओम है ये ऐसा लिख सकते हो, टॉलरेंस का पता था अभी फिलहाल 3 डिजिट का देख लो, समझ लो क्या बोल रहे हैं। तो रेड है फर्स्ट बैंड, तो अपन ने फर्स्ट डिजिट लिख लिया 2, ये फर्स्ट बैंड का हो गया। सेकेंड बैंड है ब्लैक, तो सेकेंड डिजिट वाले में देखे तो अपने को 0 मिल गया, ये सेकेंड बैंड का हो गया। थर्ड बैंड है ऑरेंज, तो मल्टीप्लायर में देखे तो मल्टीप्लायर में अपने को ये मिल गया 10^3। ठीक है, समझ में आए? तो एक्चुअल में आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 0 3 0 लगा दो, 1 2 3 ओम। यानी ये जो रेजिस्टर है वो 20,000 ओम का है, यानी आप ऐसे वो वैल्यू पहचान सकते हैं, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। और कोई कोई इसको ऐसे भी लिखता, 20 वैसे रखेंगे, 10^3 स्टैंड्स फॉर के, किलो ओम, तो 20 किलो ओम भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। गोल्डन बैंड का क्या है वो अपन देखते हैं, पहले ये देख लो समझ में आएगा। तो याद रखो, फर्स्ट बैंड आपको क्या बताएगा? फर्स्ट डिजिट। सेकेंड बैंड बताएगा आपको सेकेंड डिजिट, यानी 2 डिजिट का एक नंबर बन गया। थर्ड बैंड टेबल में से देखना है थर्ड बैंड के लिए, तो ये मल्टीप्लायर, गोल्डन बैंड का जो है या दूसरा कोई आएगा तो
चौथे बैंड का क्या है वो देखते हैं, ये समझ गए कैसे। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट बैंड कौन सा है, फर्स्ट बैंड रेड है, फर्स्ट डिजिट में रेड के सामने लिखा है टू, ठीक है। सेकेंड बैंड देखो, सेकेंड बैंड कौन से कलर का लिखा है, ब्लैक, यानी वो ब्लैक कलर का है समझो। तो हमने ब्लैक के सामने का सेकेंड डिजिट वाला जो है वो लिख लिया, दैट इज जीरो, ब्लैक सबसे ऊपर ही है तो जीरो है ना। ऑरेंज थर्ड बैंड है, तो थर्ड बैंड के लिए थर्ड टेबल का वो कॉलम देखना, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में 10^3, तो ये बन गया 3 0 लगा दो, या के लिख दो इसकी जगह तो भी चलेगा, कैसे भी लिखेंगे तो भी राइट है। देख लो यार उसका क्या लॉजिक है वो समझा। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा अभी आपको के लिए, तो फाइनल कैसे लिखना वो भी मैं बताऊंगा। एक बार भी ये मिटा रहा हूं वापस से, चौथे बैंड का भी लिखना बाकी। अब चौथे बैंड का लिखते हैं, तो चौथा बैंड बताएगा टॉलरेंस, टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है वो समझ रहा। अब गोल्डन के आगे देखो क्या लिखा है, +-5, तो यहां अपन लिखेंगे +-5 ओम, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। और आप लोगों को अगर बैंड्स पर से रेजिस्टेंस निकालने के लिए आया तो आपने ऐसा ही लिखना है, परसेंट लिख सकते चाहे तो स्पीड वेरी गुड, आपने ऐसे ही लिखना है, पर मीनिंग मैं समझा रहा, ध्यान देना क्या है, ठीक है। गोल्डन के सामने चौथे बैंड में यानी चौथे कॉलम में देखो क्या लिखा है, परसेंटेज में लिखा है +-5%, देख लो एक बार टैली करो, चलो सारा टेबल देखो वापस से देख लो, और ये जो अपन ने लिखे वो टैली कर लो। ठीक है, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और ये फोर्थ बैंड। अब फोर्थ बैंड का टॉलरेंस का मीनिंग समझना, इसका आंसर क्या आएगा देखो, अभी मैंने बताया था कैसे लिखना है, ये 3 0 लगा दिए 20 के सामने, 20,000 हो गया। इसका 5% निकालो, 5% निकालो, 5% निकालेंगे तो क्या करेंगे, (5/100), तो 0 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो ये आ गया 5 × 2 = 10, यानी 1000। तो इसका 5% 20,000 का कितना आ गया, इसका निकाला है 5% ना, इसका 5% निकाला है, यानी अपन ने किसका 5% निकाला है, 20,000 का 5% निकाला है, और वो कितना आया 1000। तो टॉलरेंस ये बताएगा कि आपको जो हम रेजिस्टेंस दे रहे हैं, समझो मैंने ये 20,000 ओम का रेजिस्टेंस उनको मांगा, कलर बैंड देख लिया अपन ने भाई 20,000 ओम का है, पर अगर यहाँ गोल्डन कलर है तो उसकी वैल्यू में 5% का आप जब सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो 5% का डिफरेंस हो सकता, यानी ये ऐसा भी हो सकता, वन इसको लिखना 19000, यानी 1000 कम और 1000 ज्यादा, यानी इस रेंज में उसकी वैल्यू रहेगी। तो टॉलरेंस का मीनिंग समझना कि आपको जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है हम लोगों ने उससे 5% ज्यादा भी हो सकता, 5% कम भी हो सकता, तो उस रेंज में उसकी वैल्यू रहेगी, एग्जैक्ट 20,000 का नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा। यानी अगर आप बोलेंगे कि मेरे को एग्जैक्ट 20,000 चाहिए तो प्रॉब्लमेटिक है, परसेंटेज देखना पड़ेगा, फिर आप लोअर परसेंटेज वाला लो, 1% 2% भी लिखा है देखो ऊपर, तो अगर 1% वाला लेंगे तो ठीक है, वेरिएशन कम होगा, जो डिफरेंस है वो कम आएगा, समझ में आ रहा। तो याद रखो यहाँ पे 5% का मीनिंग ये होता कि जब आप इसको रेजिस्टेंस को सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट 20,000 मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, 5% कम भी हो सकता, 5% ज्यादा भी हो सकता, तो 1000 आया उसका 5%, यानी वैल्यू ये भी हो सकती, ये भी हो सकती, इन दोनों के बीच में भी हो सकती, तो 5% का डिफरेंस आ सकता, यानी आप देख के लो अगर आपको एग्जैक्ट 20,000 चाहिए तो नहीं मिलने वाला, कुछ ना कुछ तो एरर रहेंगे, तो इसमें कितने परसेंट का एरर आएगा, 5% का, 5% ज्यादा भी हो सकता है, 5% कम भी हो सकता है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो 5% कैसे निकाला, 5/100, ठीक है, ये देख, तो ये समझना टॉलरेंस में नहीं, ये तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, टॉलरेंस का मीनिंग याद रखो कि अब जो रेजिस्टेंस मैंने ला लिया, मैं तो उसको समझ रहा 20,000 ओम का, बट जब आप उसको सर्किट में कनेक्ट कर रहे तो याद रखना 5% है गोल्डन कलर के लिए, यानी अगर गोल्डन कलर दिया है तो उसके रेजिस्टेंस में 5% चेंज हो सकता,
यानी 5% ज्यादा भी हो सकता, 5% कम भी हो सकता। तो 20,000 वैल्यू मांगा था मैंने, गोल्डन बैंड के साथ मिला है, मतलब उसकी वैल्यू 19,000 से 21,000 के बीच में हो सकती है। 5% निकाला है मैंने। कैसे निकाला 5%, देख लो, एक और एग्जांपल समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो अपने को ये सब मेंशन नहीं करना है। अगर पूछा कि भाई रेंज क्या रहेगी, तो अभी फिलहाल बस ये जो बॉक्स में लिखा है, आपको ऐसे बैंड्स दिए रहेंगे अलग-अलग, और आपको नंबर बना के देना पड़ेगा उनको, बस और कुछ नहीं करना, ऐसे नंबर बना के देना पड़ेगा। तो ये अपने लिए है समझने के, कि कहीं आ गया कि बताओ रेंज क्या रहेगी, तो यहां से यहां तक कुछ भी रेंज हो सकती है उसकी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी। एग्जैक्ट 20,000 मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। 5% दिया है मतलब 5% कम भी हो सकता है, 5% ज्यादा भी हो सकता है जब आप सर्किट में कनेक्ट करेंगे उसको। तो इसका 5% निकाला तो कितना है 1,000, तो इसमें +1,000 भी हो सकता और इसमें -1,000 भी हो सकता। तो ये याद रखो टॉलरेंस। एक और एग्जांपल बताता, ये बिठा देते, आंसर सिर्फ इतना है, ध्यान रखो ये हम लोगों का आंसर है, ये हम लोगों को करके नहीं दिखाना है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर वैल्यू निकाले, किसी ने पूछा भाई ये टॉलरेंस कम ही नहीं किया है, तो जब आप सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो 5% इससे वैल्यू ज्यादा भी हो सकती, 5% इससे वैल्यू कम भी हो सकती। तो इसका 5% कितना आया 1,000, तो इसमें 1,000 ज्यादा भी हो सकता, इसमें 1,000 कम भी हो सकता, ठीक है ना। तो यानी आप लाए हैं 20,000 का, बट वो 19,000 से 21,000 के बीच में कहीं पे भी हो सकता, 5% ज्यादा 5% कम। तो वेरिएशन बता रहा है कि आप जब सर्किट में कनेक्ट कर रहे हो तो देख के कनेक्ट करो, एग्जैक्ट 20,000 का नहीं है, उसमें कितने का फर्क है, 5% ज्यादा भी हो सकता 5% कम भी हो सकता। ये रेंज कैसे निकालिए वो थोड़ा सा याद रखो, आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है, या ज्यादा अरेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 20 इसको लिखेंगे किलो ओहम और इसमें +-5%, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं तो ये समझाना टॉलरेंस का फिर से मीनिंग क्या है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, हमने कलर बदल दिए हैं, फर्स्ट बैंड येलो कलर का है, सेकंड बैंड ब्लैक कलर का है, थर्ड बैंड रेड कलर का है और फोर्थ ब्राउन कलर का है, ठीक है। तो येलो के सामने फर्स्ट डिजिट में क्या लिखना है, देखो 4, ठीक है। टेबल सामने रखो, येलो के सामने फर्स्ट डिजिट में, फर्स्ट डिजिट देख रहे तो पहला कॉलम देखो टेबल का, कलर के बाद वाला फर्स्ट डिजिट क्या लिखा है 4। सेकंड बैंड ब्लैक कलर का है तो उसमें देखो क्या लिखा है सेकंड डिजिट वाले में 0। अब थर्ड बैंड बताएगा मल्टीप्लायर, तो ये मल्टीप्लीकेशन में लिख दिए। रेड कलर दिया है, रेड कलर यानी थर्ड कॉलम में देखो मल्टीप्लायर में क्या दिया है, 10^10 रेस टू पावर 2, यानी ये हमारा आंसर हो गया। ओ हाँ, परसेंटेज का बता था फिर से, यानी इसकी वैल्यू होगी 4000 ओहम, यानी 4000 ओहम, या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते, 4 3 0 हटा दो किलो ओहम, ठीक है, ऐसे लिख सकते आप लोग। तो तीन बैंड का हो गया, टॉलरेंस का फिर से बता था, ध्यान में। फिर से देखो येलो और ये ब्लैक, यानी फर्स्ट दो बैंड पहले दो डिजिट देंगे ये और ये, थर्ड बैंड बताएगा मल्टीप्लायर और ब्राउन कलर लास्ट जो है यहाँ पे ये बताएगा टॉलरेंस। तो टॉलरेंस यहाँ लिख लेते +-1%, यहाँ पे भी लिख सकते आप लोग +-1%, तो +-1%, तो फाइनल आंसर ये हो गया। अब इसका मीनिंग समझना, आंसर इतना ही लिखना है, अरेंज कर लेंगे इसको, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके बाद या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे, दोनों में से कोई एक, ये वाला रखो, ये टेक्स्ट बुक में ऐसे टाइप नहीं किया है, ये भी लिखेंगे तो कोई रॉन्ग नहीं देगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ये स्टेप बना लिया पहले, एक दो तीन बैंड और ये चौथा बैंड, तो ये फर्स्ट बैंड पर से लिखा है हमने, ये फर्स्ट बैंड पर से लिखा है, ये सेकंड बैंड पर से लिखा है, ये थर्ड बैंड पर से लिखा है, ये फोर्थ बैंड पर से। पहले ये कॉलम अरेंज कर लो, उसके बाद या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, बस एक स्टेप लिखना है, ठीक है, हो गया खत्म, फाइनल आंसर हो गया। बट मैं आप लोगों को फिर से बता रहा कि टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है, ये आप लोगों को लिखना नहीं है पर फिर भी याद रखना, 1%, तो इसका 1% निकाल लो पहले,
4000 का 1% निकालना है, यानी 1/100, ठीक है, 1% निकालो वैल्यू, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 1% कितना आया 40, तो इसमें +40 भी हो सकता और इसमें -40 भी हो सकता, यानी आपकी ये जो वैल्यू है आपने 4000 ओम का रेजिस्टेंस लिया है और सबसे कम 1% लिया, तो ब्राउन वाला सबसे बेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा, जिसमें ब्राउन कलर जो बैंड चौथे नंबर का है वो ब्राउन है, तो टॉलरेंस कम है, टॉलरेंस कम है मतलब उसका वेरिएशन कम है, यानी आपको 4000 के क्लोज ही मिलेगी वैल्यू, पर कितनी मिलेगी किसी ने पूछा, रेंज बताओ, तो इसमें +40 और -40 कर दो, तो 3960 से 4040 ओम के बीच में रेंज मिलेगी। यानी -40 या +40, तो प्लस माइनस लिखा है ना, यानी प्लस भी हो सकता माइनस भी हो सकता, यानी आप अगर सर्किट में लगा रहे 4000 का ये, तो उसकी वैल्यू 3960 भी हो सकती या 4040 भी हो सकती, एग्जैक्ट 4000 मिलेंगी इसकी गारंटी नहीं है, इसकी रेंज में वो कहीं पे भी हो सकता, यानी +1% ज्यादा भी हो सकता, +1% सॉरी -1% कम भी हो सकता, तो 1% ज्यादा 1% कम, तो ये बता दिया, किसी ने पूछा रेंज बताओ, तो आंसर तो इतना ही समझो, अगर पूछा रेंज बताओ वैल्यू निकालो तो इतना ही लिखना, बट रेंज पूछा तो ऐसे माइनस करके लिखना पड़ेगा, तो पूछेंगे नहीं जनरली, पर फिर भी अपने लिए याद, यानी ये जो वैल्यू है इसमें 1% ज्यादा भी हो सकता, इसमें 1% कम भी हो सकता, तो इसका 1% कितना आया सॉल्व किए तो 40, यानी इसमें +40 भी हो सकता और इसमें -40 भी हो सकता, और इस रेंज के बीच में इसकी वैल्यू होगी। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, टेक्स्ट बुक के पीछे भी एग्जांपल है, दो तीन पेज नंबर बताता और वो अपन सॉल्व कर लेंगे, बस सिर्फ अब ध्यान रखना, आप अगर इंजीनियरिंग में भी गए या आगे बीएससी भी करेंगे फिजिक्स वगैरह में, तो आपको कलर टेबल काम आने वाला है, इंजीनियरिंग में भी जाएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में, तो आप लोगों को रेजिस्टेंस का काम गिरेगा ही, तो कलर कोड आप लोगों को वहां तक काम आएगा, याद रखना है। टॉलरेंस का मीनिंग क्या है समझना, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट दो बैंड में, पहले दो बैंड में दो डिजिट बताया, तीसरे बैंड में मल्टीप्लायर बताया, चौथा बैंड बता रहा टॉलरेंस, टॉलरेंस का मीनिंग क्या है याद रखो, जब आप उसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू ये है, वैल्यू ये नहीं थी बस इतनी वैल्यू है, पर ये क्या बताएगा कि आप जब सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो +1% ज्यादा भी हो सकता 1% उसमें वैल्यू कम भी हो सकती है, एग्जैक्ट ये मिलेंगी कोई गारंटी नहीं है, तो 1% निकला इसका 40, यानी ये 40 ज्यादा भी हो सकता और ये 40 कम भी हो सकता, तो बस ये एग्जांपल मैंने समझा दिया, अब इसके बाद हम लोग टेक्सटबुक के एग्जांपल लेंगे और उसमें खाली ये आंसर निकाल के छोड़ देंगे, तो टॉलरेंस का मीनिंग याद रखो, यानी ये जो वैल्यू निकली है इसमें टॉलरेंस इतना है 1%, यानी इसकी वैल्यू जो निकली है ये 4000, यहाँ से सॉल्व करके वो 1% उससे ज्यादा भी हो सकती और उससे 1% कम भी हो सकती, तो इसका 1% निकाला कैसे, देखो 1/100 इनटू ये, फिर 0 0 कैंसिल, आंसर बचा 40, तो ये +40 भी हो सकता और ये -40 भी हो सकता है, यानी ये रेंज के बीच में है, एग्जैक्ट आपको 4000 नहीं मिलेगा, ये रेंज में कहीं पे भी हो सकता हो, यानी 3960 से लेके 4040 तक, और ये सबसे बेस्ट रेजिस्टर रहेगा ब्राउन जिसमें है बैंड आखिरी वाला, और गोल्डन में 5% है, सिल्वर में 10% है, और नो कलर वाला यानी व्हाइट कलर रहेगा, नो कलर मतलब वहां पे व्हाइट रहेगा, पर व्हाइट लिखना नहीं, व्हाइट ऊपर भी लिखा है, पर वहां नो कलर ही रहेगा, नो कलर मतलब व्हाइट कलर का बैंड ही रहेगा, तो नो कलर वाले में 20% है, अगर आप वो रेजिस्टर यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा 20% का, इसीलिए जनरली वो रेजिस्टेंस यूज नहीं करना, जिसमें लास्ट बैंड ब्राउन है, ब्राउन कलर का है वही सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें एरर कम है, ये एरर है समझो उसकी वैल्यू में, इतना एरर है 1% का है, तो 1% कम या उससे 1% ज्यादा, देखिए तो सॉल्व करेंगे, देखो समझ में आ गया होगा, टॉलरेंस का मीनिंग मेन समझाना था, तो अब टेबल का यूज आप लोगों को आ गया होगा, टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम देखते ये नोट डाउन कर लो, ये देखो टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है पेज नंबर, बाकी तो न्यूमेरिकल्स हम लोग ब्लॉक के बाद सॉल्व करेंगे, ये टेबल पर सीखा तो इसलिए बता रहा, पेज नंबर 220 पे नाइन्थ वाला प्रॉब्लम है, फर्स्ट देखो ब्लू ग्रीन रेड गोल्ड, ये हमारा फर्स्ट बैंड, ये सेकंड बैंड, ये थर्ड बैंड, ये फोर्थ बैंड, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, तो ब्लू के आगे देखो क्या लिखा है, तो आर की वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं 6, देख लो टेबल में फर्स्ट डिजिट में क्या लिखा है, 6 लिखा है क्या,
सेकंड है ग्रीन। ग्रीन क्या है देखो, 5 लिखा है, तो ये फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड ने हमारे को दो डिजिट दे दिए। थर्ड बैंड हमारे को क्या बताएगा, मल्टीप्लाई, तो देखो वहां 10^2 लिखा है क्या, तो ये हो गई हमारी वैल्यू। और गोल्डन दिया है यानी परसेंटेज लिखेंगे, सॉरी प्लस माइनस 5%, तो अभी गोल्डन का मीनिंग परसेंटेज का मीनिंग समझाई है कि ये जो वैल्यू निकलेगी 6500 उसमें 5% वैल्यू ज्यादा या 5% वैल्यू कम भी हो सकती है, तो इसको उन्होंने थोड़ा अरेंज करके लिखा है। आप लोग ऐसा भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा, तो उन्होंने क्या किया ऐसे लिखा है 6.5, एक पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया 10^3 ओहम। तो ये देखो पॉइंट यहाँ लगाया 6.5, ये हो गया 10^3। आप ऐसे भी रखेंगे तो कोई रॉन्ग नहीं देगा, ऐसे भी रखेंगे तो रॉन्ग नहीं है, अपन ने बराबर लिखा है फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, ये मल्टीप्लायर, ये आंसर हो गया, प्लस माइनस 5 भी लिख लिया, तो इतना भी रखेंगे तो भी चलेगा, पर उन्होंने किलो ओम में लिखा है, तो मैं वो सिर्फ कन्वर्ट करके बता रहा आप लोग, नहीं भी करेंगे ये भी फाइनल आंसर चलेगा। तो एक पॉइंट लगा दिया, ये हो गया 10^3, 10^3 हटा के उसकी जगह लिखा है के, और ये आगे प्लस माइनस देखिए हो गया फर्स्ट आंसर। आप ये भी रहने देंगे तो रॉन्ग मिलने वाला नहीं है, सिर्फ उन्होंने जो अरेंज किया है वो मैंने आप लोगों को करके बताया है, पर इतना भी रखेंगे तो भी चलेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6500, 2 0 लगा दिए, ओहम प्लस माइनस 5%, तो ऐसे भी लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कैसे भी लिखेंगे तो चलेंगे, रिलीज करेंगे। तो ये हो गया अपना फर्स्ट। देख लो आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं आगे, पर इसमें दो के आंसर रॉन्ग है, कौन से दो रॉन्ग है वो पता चली जाएंगे जब सॉल्व करेंगे। अब सेकंड वाला देखते हैं, ब्राउन है, ब्राउन के आगे देखो क्या लिखा है, 1, ये आंसर लिखा है हार की रेजिस्टेंस की वैल्यू। ब्लैक के आगे 0 और रेड के आगे 10^2, ये हो गया अपना आंसर। और सिल्वर कलर है यानी प्लस माइनस 10%, बस हो गया। फर्स्ट बैंड ने फर्स्ट डिजिट दिया, सेकंड बैंड ने सेकंड डिजिट दिया, थर्ड बैंड जो रेड है उसने मल्टीप्लाई दिया, चौथे बैंड ने दिया है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मीनिंग समझाया है वो याद रखना। तो आप इसको देखो, इसको लिख लेते हैं, आप इसको चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 0 लगा दो, ओहम प्लस माइनस 10%, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10^3, ये 3 0 और 10^3 की जगह लिखेंगे के, के और ये ओ प्लस माइनस 10%, ऐसे भी चलता है, ऐसे भी चलता है, ऐसे भी चलता है, 3 पॉइंट हटा दिए ये, तो के लिख दिया उसकी जगह, तो 1 किलो ओहम प्लस माइनस 10%। तो टेक्स्ट बुक में ऐसे ही दिया है तो इसलिए ऐसे याद रखो। तो ऐसे भी लिख सकते जो बनाया है वो भी रहने दे सकते हैं, या उसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं या ऐसे अरेंज कर सकते हैं, अपनी चाहे जैसे चाहे वैसे अरेंज कर सकते हैं। ये अपना हो गया सेकेंड रॉ। थर्ड वाले का आंसर उसमें रॉन्ग है, आप लोग निकालेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ये दो लिख लो फिर थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए, तो इधर शिफ्ट कर लेती है, ये दो नोट डाउन कर लो। ये फर्स्ट प्रॉब्लम, ये सेकंड प्रॉब्लम, ये थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ है, उनको अरेंज कर लेंगे। ये दोनों तो सही है, देखो फिर से बोल रहा टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है या ऐसे दिया है, आप नहीं भी अरेंज करेंगे तो भी चलेगा, आप चाहे ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा। जैसे आप बताए डिजिट ले लिया है, फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर, फोर्थ बैंड टॉलरेंस, बस छोड़ दो ऐसे, या उसको आप ऐसे भी लिखेंगे अरेंज करके तो भी चलेगा, या उसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है, इसे मैंने ऐसे बताया, ये भी वैसे ही है, देखिए यानी आप इसको 6500 ओहम प्लस माइनस 5 ऐसे भी लिख सकते। मिटा रहे दोनों नोट डाउन करो, इनके आंसर मैच हो जाएंगे, पर दो है इसमें जिसके आंसर मैच नहीं होंगे, आप लोग खुद भी निकाल के देख ही सकते हैं आप लोग। तो ये दो मिटा रहा है, पेज नंबर 220 पे 9th वाला प्रॉब्लम ले रहे हैं। जो न्यूमेरिकल्स है वो तो लेंगे अपन बाद में, क्योंकि लॉग के बिना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते अपन, तो इसलिए थर्ड बैंड इधर शिफ्ट कर लेते। इसका आंसर रॉन्ग है,
रेड रेड ऑरेंज और दिया है गोल्ड। तो ये हटा दिया, इसकी जगह लिख लेते हैं फोर्थ वाला, तो जगह हो जाएगी अपने पास। ऑरेंज व्हाइट रेड गोल्ड ये नहीं रहे, अब देखो जगह हो गई। अब लिखते हैं रेड के लिए फर्स्ट बैंड टू, सेकेंड भी रेड है तो टू इन टू, फर्स्ट बैंड ने पहला डिजिट दिया, सेकेंड बैंड ने सेकेंड डिजिट दिया। अब है ऑरेंज, तो ऑरेंज के सामने लिखा है 10^3 मल्टीप्लायर में, देखो ये हो गई अपनी वैल्यू ओहम में, ठीक है यार इसको ओहम में ये हो गई वैल्यू, और प्लस माइनस गोल्ड है तो 5%। ओके, तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, R is equals to 22, ये K वैसे कोई सी है ना 10^3, तो K लिख दो। देखो बेटा केजी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो K हटा देता हूँ, क्या लिखते हैं 1000 ग्राम, K स्टैंड फॉर K स्टैंड फॉर 1000, ये K, ठीक है, जैसे मिलीमीटर, M स्टैंड फॉर 10^-3, वैसे ही, तो K याद रखें, तो 10^3 हटा दिया ये, और ये तो ये आंसर गलत दिया है टेक्स्ट बुक में, तो इसको सही कर लेना है अपन ने, +-5%। आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 3 0 लगा दो, ये 3 0 लगा दिया, ओहम +-5%, ये इसमें से कोई भी मेथड लिख सकते हैं आप, तो टेक्स्ट बुक में ये आंसर रॉन्ग है। अब आप लोग खुद भी टेबल है ही सामने, आप खुद लिख के देखो क्या आता है आंसर, टेक्स्ट बुक में रॉन्ग है, ठीक है देखो। और एक फिफ्थ वाले का आंसर रॉन्ग है, आप लोग कोशिश करो, चलो वीडियो पॉज करो और फोर्थ वाले का और फिफ्थ वाले का आंसर निकाल के देखो, फिफ्थ वाले का टेक्स्ट बुक में मैच नहीं होगा, अपना जो है वो लिखना है आपको। देखो आइए सॉल्व करो, फोर्थ और फिफ्थ वाला देखो आता क्या, थर्ड वाले का उन्होंने 2.2 किलो ओम दिया है जबकि 22 किलो ओम आएगा वो, ठीक है देख रहे हैं एक बार चेंज हो रहा हो, और एक काम करो अब इसका और इसका आप लोग निकालो, ये मैच हो जाएगा टेक्स्ट बुक के साथ, ये मैच नहीं होगा, वीडियो पॉज करो और फाइंड आउट करने की कोशिश करो, और टेबल सामने रखो, टेबल बनाना मुश्किल नहीं है, पिछले वीडियो में समझाया गया है, फिर से बोलो बेटा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं शादी के बाद, जैसे लाइफ में बचेगा नो कलर, लाइफ हो जाएगी ब्लैक, वो थोड़ा सा ठीक है पर बताने का नहीं है। आगे चलते, मैं इसके आंसर निकाल रहा, आप लोगों ने पहले निकाल लेना। चलो फोर्थ वाला ऑरेंज, ऑरेंज के लिए क्या लिखा है देखो, फर्स्ट डिजिट 3, फिर है व्हाइट, व्हाइट है 9, ठीक है ये हो गए फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट। अब थर्ड डिजिट है रेड, रेड क्या बताएगा मल्टीप्लाई 10^2, ठीक है ये हो गया आपका आंसर ओहम रेजिस्टेंस का। अब टॉलरेंस है गोल्ड, यानी +-5%, ये फाइनल आंसर हो गया, ऐसे भी छोड़ देंगे चलेगा, फिर से बता रहा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3920 लगा दो, ओहम +-5%, या फिर जैसे टेक्स्ट बुक में वो बता रहा यहां करेंगे 3.9 यहां पे, तो इधर हो जाएगा 10^3, पॉइंट शिफ्ट करते आता ना, यहां पॉइंट लगाए 10 लिया है तो 10^3 ओहम, तो ये 10^3 हटा के अपन कर रहे किलो ओहम, और ये आगे +-5%, तो टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है, ठीक है कैसे आया समझ में आया ना, 10^3 बन जाएंगे यहाँ पे, तो ये आंसर टेक्स्ट बुक के साथ मैच हो जाएगा आप लोग, ये वाला नहीं होगा, ये जो अपना आएगा वो लिख लेना आप लोग, किलो में कन्वर्ट नहीं भी ये चलता, ये भी रखेंगे तो रॉन्ग नहीं है, अगर कॉलेज में कोई रॉन्ग दे तो बोला अरे किलो में कन्वर्ट नहीं किया है, वैल्यू तो वही है, तो वैल्यू निकालने को बोला है, आंसर किलो में निकालने को नहीं बोला है, ध्यान रखना। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, यानी आप इतना लिख के छोड़ देंगे तो भी करेक्ट है, इतना भी रखेंगे तो भी करेक्ट है, इतना भी रखेंगे तो भी करेक्ट है, पर अगर मान लो फिल इन द ब्लैंक में आया कि ऑरेंज व्हाइट रेड गोल्ड और चार ऑप्शन दे दिए, बताओ कौन सा है रेजिस्टेंस, तो इसलिए ये कन्वर्ट करके बता रहा हर बार कि कैसे भी उन्होंने ऑप्शन में दिया हो अपने को पहचान जाना चाहिए कि दैट इज द राइट ऑप्शन, ठीक
ठीक है, निकालते समय तो कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, पर ऑप्शन में ऐसे ही दिया है समझो, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ऐसे ही दिया है किलो ओम में, तो अपने को किलो ओम में भी पहचान जाना चाहिए कि ऐसा रहेगा। यानी देखो फिल द ब्लैंक का आया तो ये आकर रहा है, ये तो हो गया, यानी ऐसे दे दिया ऑरेंज व्हाइट रेड गोल्ड और बोला कि इसकी वैल्यू पहचानो, चार ऑप्शन दे दिए, 39 किलो ओम प्लस माइनस 5%, बी 390 किलो ओम प्लस माइनस 5%, सी 3.9 किलो ओम प्लस माइनस 5%, एंड बी 0.39 किलो ओम प्लस माइनस 5%। तो इस पर से आपको इनकी में से कौन सी वैल्यू पहचान जाना चाहिए, इसीलिए वो ऐसे भी लिख सकते हैं, वो ऐसे भी लिख सकते हैं, वो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए तीनों मेथड बता दिया, तो आपको पहचान जाना चाहिए कि वो वैल्यू क्या है, सी वाली, ठीक है ना। यानी ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, और कंफ्यूज करने के लिए जैसे ये 3900 है तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो 3900, पर ये किलो ओम में है, ये खाली काय में ओम में, तो वो कंफ्यूजन देखना, तो इसीलिए मैंने सभी मेथड बता दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक में जैसे दिखा वैसे वो पहचानते आना चाहिए। लास्ट वाला हो गया, फिफ्थ वाला, उसको यहां लिख लेते हैं, फिफ्थ वाले को क्या है, येलो वॉयलेट ब्राउन और सिल्वर, ठीक है, इसका आंसर रॉन्ग है, तो अपन निकाल रहे हैं, और कौन से वाले का रॉन्ग था, थर्ड वाले का, तो आप लोग खुद भी करके देख ही रहे होंगे, देख लो आंसर, आप इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है येलो, ठीक है, येलो में देखो क्या है, फोर, वॉयलेट, वॉयलेट में देखो क्या है, सेवन, ब्राउन में देखो क्या है, 10^1, ये हो गया आपका ओह आंसर, ठीक है, देख लो येलो में है, टेबल सामने रखो, मेरे को फटफट आवाज है, तो देखो येलो के लिए 4, वॉयलेट के लिए 7, ब्राउन के लिए 10^1, ये आंसर हो गया, और ये प्लस माइनस सिल्वर है तो 10%, बस खत्म। तो इसमें देखो मैंने गलत आंसर दिया है, आप ऐसे लिख सकते हैं 470, ये जीरो लगा दो, ओम प्लस माइनस 10%, या किलो ओम में लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 0.470, 3 डिजिट पॉइंट शिफ्ट किए तो ये आ गया 10^3 ओम में प्लस माइनस 10%, तो ये हटा देंगे, तो ऐसे लिखेंगे 0.470, ये हट गया, तो किलो ओम प्लस माइनस 10%, तो ये आंसर आप लोगों ने चेंज कर लेना, टेक्निक में जैसा है वैसा नहीं आएगा वो आंसर, किलो में लिख सकते किसी को भी पॉइंट को शिफ्ट करने, 10^3 बनाना है, तो 1, 2, 3 डिजिट शिफ्ट किए तो 10^3 बना गया, 10^3 का ही, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते, बट फिल इन द ब्लैंक में आया तो कैसे आएगा वो गारंटी नहीं है, तो वो याद रखो सब तरीके से बता, तो थर्ड वाले का आंसर और फिफ्थ वाले का आंसर रॉन्ग था, तो वो चेंज कर लेना है, बाकी आप लोग के मैच हो ही जाएंगे, नोट डाउन कर लो। देखो अब आगे 10th वाला प्रॉब्लम, 9th के बाद वाला, वैल्यूज दी है, कलर कोड बनाना है, तो इसको अपन अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे, तो R is equals to, इसको लिखेंगे ऐसा, first ये और a zero अलग कर लेंगे, into 10, यानी 10^1, सिंपल है, 3, 3, और ये 10 मल्टीप्लाई तो 0, अब कलर कोड देखो, 3, 3 के लिए देखो क्या है, देखो फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट मल्टीप्लाई हो गया, हाँ फर्स्ट डिजिट 3 है तो ऑरेंज, सेकंड भी 3 है ऑरेंज, 10^1, 10^1 मतलब ब्राउन, मल्टीप्लायर में देखो
क्वेश्चन सुनना क्या लिखा है। क्वेश्चन दिया है उन्होंने, फाइंड द कलर कोड ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टर हैविंग टॉलरेंस। टॉलरेंस फिक्स दिया है, वो कुछ भी हो सकता था पर उन्होंने प्लस माइनस 10 दिया है, और प्लस माइनस 10 इसके लिए है सिल्वर के, सिल्वर कलर के। हो गया बस, तो इसको सिर्फ अरेंज करके आना चाहिए। ये अपना फर्स्ट डिजिट टेबल में देखो कलर कौन सा है ऑरेंज, ये अपना सेकंड डिजिट कलर कौन सा है ऑरेंज, 10^1 मल्टीप्लाई कलर कौन सा है ब्राउन, और प्लस माइनस 10% रखना है हमेशा तो सिल्वर। तो ये हो गया फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले को इसको भी अरेंज करेंगे, R is equals to ये लिखेंगे 10 और ये 0 हटा रहा है into 10 यानी 10^1, ठीक है। तो ये E नीचे लिख लेते थोड़ा सा 1 किलो ओ, ठीक है। अब फर्स्ट डिजिट है 1, तो वहां देखो टेबल में ब्राउन कलर। सेकेंड डिजिट है 0 यानी ब्लैक कलर। मल्टीप्लायर है 10^1 यानी है ब्राउन कलर। टेबल में देखो 1 कलर कौन सा लिखा है, सेकेंड डिजिट में 0 कलर कौन सा लिखा है, 10^1 जहां मल्टीप्लायर है इधर देखो कलर कौन सा लिखा है ब्राउन, और प्लस माइनस 10 ही रखना है तो सिल्वर, ये तो फिक्स है। गोल्ड होता तो प्लस माइनस 5 लिखते, या नो कलर होता तो प्लस माइनस 20 लिखते। ये आप लोगों को पहचान जाना चाहिए हाँ, सिर्फ अरेंज करना सीख लो। 3 अलग कर लिया डिजिट और ये 10 अलग कर लिया, तो ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकेंड डिजिट, ये मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट डिजिट 3 कौन बता था ऑरेंज, सेकेंड डिजिट में 3 कौन बताएगा वो भी ऑरेंज, 10^1 मल्टीप्लाई कौन बता था देखो कलर टेबल में ब्राउन, और प्लस माइनस 10 वो तो सिल्वर है। तो ये हो गए, तो वीडियो पॉज करो, 1 2 3 आप निकाल के देखो, देखो मैच होते क्या। मैं निकाल रहा अभी, वीडियो पॉज करो वो वैल्यूज निकाल के देखो और देखो मैच होता क्या। और थर्ड वाला इसको कैसे लिखना है ध्यान देना, आर इज इक्वल टू इसको लिखेंगे 47, के हटा रहे 10^3 ओम ऐसे लिखा। हाँ अब देखो 4 के लिए क्या है, देखो फर्स्ट डिजिट 4 तो वो है येलो, 7 वायलेट, देख लो एक बार देखो ध्यान से। तो ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, कलर कौन से बता रहा है 4 और 7 के आगे, इधर कलर देखो लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम में 4 7, और 10^3 यानी ऑरेंज मल्टीप्लायर, प्लस माइनस 10 है वो तो फिक्स है तो सिल्वर। देखो आप लोगों का भी मैच हुआ क्या, येलो वायलेट ऑरेंज सिल्वर। अब इस पर से रेजिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है बनेगा, ये इस पर से ये बना रहे हैं की बात है, टेबल्स मेन है, टेबल लर्न होना चाहिए। अब इसका बनाते हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे, 1 6 और ये 0 हटा रहे हैं यानी 10^1। देखिए पहले है 1 तो कलर आएगा ब्राउन, 6 सेकेंड डिजिट तो ये है ब्लू, टेबल में देखो ठीक है 10^1 यानी ब्राउन मल्टीप्लायर, तो ये 2 डिजिट और ये मल्टीप्लायर ऐसे अरेंज किए देखो, ये 2 डिजिट ये मल्टीप्लायर, ये 2 डिजिट ये मल्टीप्लायर, ये 2 डिजिट ये मल्टीप्लायर, टॉलरेंस फिक्स दिया है सिल्वर वैसे ही, तो ये हो गया सिल्वर। तो देखो सिर्फ अरेंज करते आना चाहिए, 2 डिजिट रखना है बाकी जो भी है वो मल्टीप्लायर में लिख लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है या यहाँ लिखा है या यहाँ लिखा है, किलो ओम में था तो यहाँ मैंने शिफ्ट कर लिया। यस देख लेते हैं, एक आधा पॉइंट का मैं खुद लेके बता दूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये दो इसको कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल रेजिस्टेंस 1 किलो, किलो ओहम मतलब ये है 1000 ओहम, तो 1000 में ये 2 डिजिट पहले अलग कर लो, ये दो बचेंगे तो लिखेंगे 10^2, हो गया ना 10^3 बराबर है। तो इसको किलो को ऐसे लिखो पहले 1000 ऐसे लिख लिया अपन ने, तो ये हो गए पहले 2 डिजिट 10, 20 है 10^2 लिख दिए खत्म। हाँ अब कलर कोड बनाओ उसका, हाँ देखो फर्स्ट 1 है तो ब्राउन, सेकेंड डिजिट 0 है यानी ब्लैक, मल्टीप्लायर है 10^2 यानी आएगा रेड, और सिल्वर तो कॉमन ही है अभी फिलहाल के लिए क्योंकि
उन्होंने बोला है प्लस माइनस 10% हो, तो ये आंसर देखो एक बार। एक पॉइंट वाला में तो बता देता आया तो कैसे अरेंज करता, पॉइंट नहीं रखना है, इन दो डिजिट के बीच में पॉइंट नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में पॉइंट नहीं होना चाहिए, पॉइंट हटाना पड़ेगा, बता था कैसे देखो। ये पाँचों नोट डाउन कर लो पहले। फिर वो पॉइंट वाला बता था। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं, देख लेने एक बार। टेबल सामने रखा है, टेबल अपन बना लेते हैं, कहीं पे लर्न होता नहीं, वो लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने जैसे बताया तो वैसे ही आ रहा है। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ पॉइंट वाला, देख लो, सपोज यही एग्जाम्पल ले लेते, कितने हो गए, पाँच हो गए ना, ये सिक्स वाला है, ठीक है, 4.7 है सर, 4.7 किलो ओम, इसी को मैंने थोड़ा माइनूट चेंज कर दिया। तो आप लोग तो कैसे लिखेंगे, देखो R की वैल्यू पहले लिखेंगे 4.7, K stands for 10^3, और ये वो पर याद रखो जब फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट लिख रहे हैं तो बीच में पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए बिना पॉइंट के, या ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तो पॉइंट हटा दो, तो अब बन जाएगा 4.7, एक पॉइंट हटा दिया हमने, और ये बचेगा 10^2, देखो, ठीक है। अब आप इसका कलर कोड लिख सकते हैं, देखो समझ में आ रहा क्या, एक पॉइंट हटाना है, ये पॉइंट हटा रहा है, तो ये बचेगा 10^2, 4.7 किलो ओम था, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो पहले तो 4, ये आएगा येलो, फिर 7 यानी वॉयलेट, फिर 10^2 है, 10^2 यानी रेड और सिल्वर, पॉइंट नहीं चल रहा इन दोनों के बीच में, पॉइंट हटाना पड़ेगा, ध्यान रखें, तो यहाँ तो 10^3 था, तो ऑरेंज था, अब यहाँ 10^2 हो गया, तो ये रेड, तो माइन्यूट चेंज कर देंगे तो आंसर भी चेंज होने वाले, ध्यान रखो, तो ये इन दोनों के बीच में पॉइंट नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान रखें। सिल्वर हमेशा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही प्लस माइनस 10% बोला है, सिल्वर कलर बोला है प्लस माइनस 10%, तो उन्होंने क्वेश्चन में ही प्लस माइनस 10% बोला है, प्लस माइनस 10% का है सिल्वर का, इसीलिए हर इसमें कॉमन सिल्वर लिखा ही है अपने, तो नोट डाउन कर लो। देखो एक और एग्जांपल बता देता, तो यहां है अपने को लेना प्लस माइनस 5%, और ये वैल्यू है 2.5 किलो ओम, ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे 2.5 इंटू 10^3, ये स्टैंड फॉर 10^3, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट, ये जो बता रहे बैंड उनके बीच में पॉइंट नहीं होना चाहिए, फिर से याद रखना पॉइंट नहीं होना चाहिए, पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को हटाएंगे तो ये बनेगा 25, ऐसे होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट ये सेकंड डिजिट बीच में पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो ये हटाएंगे ये बन जाएगा 10^2, देखो अब निकालो इसका। तो सेकेंड डिजिट सॉरी फर्स्ट डिजिट 2 है यानी रेड, 5 है यानी ग्रीन, 10^2 मल्टीप्लाई यानी रेड, और प्लस माइनस 5% लिखा है मतलब आएगा गोल्ड, ठीक है। ये प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज करके ऐसे भी पूछ सकते थे, देखो 0.25 किलो ओम,
ऐसे भी आ सकता, या आप लोगों को ऐसे भी आ सकता 250 किलो ओम। चलो इन दोनों के आंसर निकालो आप लोग, मैं भी बता था, फिर अपन टैली करेंगे राइट आंसर। ठीक है क्लियर? हाँ चलो आप देखो इसको लिखेंगे कैसे। रेजिस्टेंस इसको लिखेंगे 0.25 × 10³ के, दो यहाँ हटा दो यानी 25, फिर भी एक बचेगा यानी लिखेंगे 10³। अब यहाँ पे समझो बोल्ड ले रहे हैं दोनों वाले में, यानी ±5%। ठीक है हाँ, तो अब बताओ आंसर क्या आएगा। पहले 2 यानी रेड, फिर 5 यानी ग्रीन, और ये 10^1 यानी ब्राउन, और ±5 यानी गोल्ड। अपन यहाँ ±5 लिया, 10 इसलिए नहीं लिखे यानी गोल्ड। इसको भी अरेंज करेंगे, तब तक आंसर निकालो एक वाले का। चलो चलो लास्ट वाला ले लेते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे अरेंज करेंगे, 250 पहले वैसे रहने दो, इंटू लिखेंगे 10^3 के हटा दिया, ये निकल गया ओम है। ठीक है तो अब दो ही डिजिट चाहिए, ये 0 हटाओ तो 25 × बन गया 10^4। तो 2 फर्स्ट डिजिट रेड, बीच में पॉइंट नहीं होना चाहिए, 5 ग्रीन, 10^4 येलो। अब यहाँ पे भी समझो अपन ±5% ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी आएगा गोल्ड। 10 होता तो सिल्वर लिखते, और नो कलर होता तो 20 लिखते, या व्हाइट समझो, नो कलर यानी व्हाइट लास्ट में। तो रेड ग्रीन येलो वोट इस आंसर। तो यहाँ अपना रेजिस्टर वाला समझो टेबल वाला लॉजिक खत्म हो गया, देख लेने एक बार एग्जाम्पल्स बताई दिए हैं, क्लास में आएंगे तो फिर देखेंगे वो न्यूमेरिकल एक बार फिर से समझा दूंगा जब न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है तो टेबल पर से जो भी था वो हो चुका है, देख लेंगे।